डर लगने लगा, खराब होगी मेरी वीडियो में भाई, डर लगने लगा। सब देख सकते हैं रावण का पुतला यहाँ पे तैयार हो रहा है पूरा बंदी। किन्ने भाई ये तीन जो है 5 रुपए वाला सामान। जैसे कि मैंने बनाया था, बारिश की वजह से रामलीला कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी 4-5 दिन के लिए। कल से फिर चालू हो गई है रामलीला। आज लोगों को दिखाने आया हूँ, काफी अच्छा मेला लग चुका है। मैंने प्रॉपर मेले का नहीं बनाया था, बिल्कुल प्रॉपर लग चुका है। तो अभी मैं खड़ा हूँ स्टेज के पास, तो देखते जी यहाँ कंट्रोल रूम है, यहाँ शर्मा डीजे बैठे हुए ऑपरेट होता है, नितिन भाई की लाइटिंग। तो देख सकते हैं अभी ये पिलर से ऊपर जा रहा है चैनल की। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ऑपरेट वगैरह होता है और काफी सारा मजा आने वाला है, काफी अच्छा बनने वाला है। चलिए ब्लॉग चालू कर, देख सकते हैं मैं अभी स्टेज के बाहर आ गया हूँ और ये पिलर भाई भैया ये चैन से खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं। उधर भी देख सकते हैं आप, ये पूरा ऊपर अभी लिया जाएगा। तो देख सकते हैं एक भैया उधर भी लगे पड़े हैं। तो ये पुलर जो जाता है ऐसी चैन के साथ जाता है ऊपर, तो अभी ऊपर जाएंगे लाइटिंग वगैरह भी। वैसे आप देख सकते हैं सामने से एक बार और स्टेज देखिए, पीछे आके दिखाता हूँ पूरा भाई। बहुत पहले से भी ज़्यादा खतरनाक स्टेज लग रहा है इस बार, तो देख सकते हैं बहुत खतरनाक यार। नितिन भाई की लाइटिंग मजा कर देती भाई। तो गाइस देख सकते हैं इस बार काफ़ी अच्छी डेकोरेशन वगैरह भी होगी। देखिए प्लांट्स वगैरह लग चुके हैं, पहले नहीं थे जब मैं आया था। तो इधर भी देखिए ये थोड़ा नेचुरल बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, रियल प्लांट है, कोई फेक नहीं है। तो देख सकते हैं आप, और अभी चलिए अंदर का मेले को और दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ऑपरेट कैसे होता है, ठीक है। देख सकते हैं शर्मा डीजे वैजोई जो भैया कर रहे हैं, भैया आपका नाम भीम सिंह भैया का नाम है। और यहाँ से पूरा शर्मा डीजे का सेटअप जो पूरा आप देख सकते हैं लगा हुआ है, ये पूरा ऑपरेट वगैरह होता है। तो भैया कितने दिन से आप यहाँ? 18 और बारिश के बाद कल ही चालू हुई है, 4 दिन रामलीला बंद रही थी बारिश के, जैसे मैंने आपको पहले ही व्लॉग में बताया था। और इधर से हो रही है नितिन भाई की लाइटिंग पूरी हैंडल जो भाई लोग कर रहे हैं। भाई आपका नाम नितिन, आपका ही नितिन नाम है भाई आपका, क्या जय राम भाई। यहाँ से भाई लोग कर रहे हैं पूरी लाइटिंग को मतलब ऑपरेट। तो देख सकते हैं काफी सारी सीसीआरपी लगी हुई है, देख सकते हैं गाइस स्टेज पर कुछ अलग ही भाई। तो गाइस चलिए देखते हैं, ये यहाँ से है मेन गेट जो मेले के अंदर जा रहा है, तो इधर से है पूरी एंट्री और इधर देख सकते हैं तोमर शॉप सुपर सॉफ्टी। और इधर है देखिए मेला वगैरह चालू, काफ़ी सारी दुकान झूले मतलब यहाँ पे एसेसरीज वगैरह खिलौने वगैरह बक कप सब कुछ मिलेंगे। और इधर आपको मिल जाएगा खाने पीने का एरिया, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। और सामने देखिए बड़ा वाला झूला जो उस टाइम रेडी हो रहा था, तो अभी मैं पूछ के आता हूँ आपको कब से चालू हो रहा है और कब से कुछ नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा मेला, जो लोग अब आप आ जाओ भाई, जो भी लोग बाहर से आना चाह रहे थे तो अब आप आ सकते हो। तो देख सकते हैं पूरा मेला फिर से रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है, खुल गया है और काफ़ी भीड़ आ चुकी है अब। तो देख सकते हैं काफ़ी भीड़ आ चुकी है, आप देख सकते हैं नाव, और ये बड़ी वाली नाव है जो चालू हो चुकी है। और नीचे मौत का कुएं वाला बड़बड़ कर रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा वाला झूला कब से चालू हो रहा है कब से नहीं। तो ब्लॉग में रहना है काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग और काफ़ी मजा आने वाला है। तो अभी चलिए पूरे इसके मेले के अंदर हूँ मैं और मेले पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर आपको मिलाता हूँ। चलिए तो ये बड़े वाले झूले के भाई हैं, भाई आपका नाम दीपक भाई का नाम है। तो चालू हो गया आज से? तो क्या टिकट रहेगा, टिकट क्या रहेगा यहाँ का? 50 रुपये। और भाई 5-10 मिनट में झूला चालू होने वाला है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो सही है भैया आते हैं, तो देख सकते हैं भाई पूरा बड़ा वाला झूला अभी चालू होने वाला है 5-10 मिनट के बाद, और चालू जब हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और अब आप लोग आ सकते हो यहाँ पर, जैसे कि सारे झूले ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं। तो चलिए, तो गाइस अभी हम झूले के अभी यहाँ खड़े हैं, अभी वो चालू है, जब रुकेगा तब हम बैठेंगे। तो मैन भाई डर लग रहा है इन्हें, अपन को तो लगता ही नहीं भाई। मैं डरता हूँ भाई, मैं नहीं डरता भाई, अभी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा, तो डरता हूँ। चलिए गाइस बताता हूँ, तो गाइस बैंक भाई दोरा होने वाला, अभी तो आएगा मजा ना मेरी जान। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, एक बुक तेरा आए थे, डरता नहीं थे बताइए। ऊपर से व्यू दिखाता हूँ मेले का, पूरा व्यू भाई मजा।
सिर्फ व्यू की वजह से बैठे हैं हम इसके अंदर, वरना पूरा दिखना चाहिए वरना मैं आप लोगों के लिए भाई देख लो पूरा व्यू आना चाहिए आप पैसे खर्चे हैं पूरा व्यू रोक दियो भैया ऊपर ये बात मानेंगे देख मेरी भाई ब्लॉगर हूँ ना पूरे मेले का व्यू पूरे देखिए उधर स्टेज वगैरह सब आपको दिख रहा होगा लाइटिंग की होती तेज हो रही है भाई तो देख सकते हैं गाइस पूरा भाई व्यू देखिए यार मेले का पूरा व्यू दिखाऊंगा मैं आज देख सकते हैं वो लगा हुआ रामलगौड़ में स्टेज पूरा मेले का व्यू देखिए भाई अपन तो आ रहा है अपन रहते हैं मौज में और भाई ये झूला देखिए कितना प्यारा लग रहा है सिनेमैटिक बहुत बढ़िया बनेंगे इसके देख तो गाइस दिस इज कॉल्ड ब्रेक डांस पर डांस कहाँ होता है इसमें ये लो ओ भाई भाई देख सकते हैं रेडी चीज दिखेगी यहाँ और ये चला रहे हैं अंकल इस झूले को ऑपरेटर ये है झूले के ऑपरेटर ऑपरेटर है भाई सब डीजे के होते हैं देख लो भाई मेरी बड़ी हो सो तो ज्यादा ले तो देख सकते हैं सारा लाइन पार पूरा लाइन पार देख लो मेला दिखाते दिखाते पूरा लाइन पार दिखा दिया अब क्या जान लोगे एक सब्सक्राइब कर दो यार सब्सक्राइब के कौन से पैसे लगते हैं यार ये बता एक लाल कलर देख कमेंट जरूर करना और गाइस लाल वाला बटन दबा देना जरा बस बेल आइकन के साथ यस हमारा भाई नाम छपाने वाला ढूंढना हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेटिंग का नाम छपाना भाई दाने पे वो चाल पकवा खाऊंगा बिरयानी बनवाऊंगा उसकी ढूंढते हैं भाई बिल्कुल ढूंढो ढूंढो छपाने वाला इधर तो 5 रुपए वाला 5 रुपए का सामान नहीं खरीदना भाई भाई मैंने मेले में एक बात देखी है क्या मेला चालू होता नहीं लेडीज पे लगाती 5-5 रुपए का माल लेना खैर छोड़ा एक्सपोज हो रही है बंदी किन्ने भाई ये तीन जो है 5 रुपए वाला सामान ना ना 5 रुपए वाला सामान देखो भाई पांच तो भाई देख सकते हो ये टैटू वाला जिसे भी टैटू वगैरह और अगर सेटिंग छोड़ गई तो मिट जाएगा वो जी भाई जिस किसी को भी टैटू बनवाने हैं मेले में भैया के पास आ सकते हैं टैटू वगैरह बनाएंगे आपका नाम तो भूपेंद्र नाम भूपेंद्र कुमार भैया का नाम देख सकते हैं दुकान का नाम और भैया से टैटू छपा सेटिंग वेटिंग जिसका भी बनवाना चलो भाई तुम्हारा सेटिंग नाम तो छप जाएगा बिल्कुल जब देख सकते हैं रावण का पुतला यहाँ पे तैयार हो रहा है पूरा तो यहाँ पे पूरा रावण बनाया जा रहा है वहाँ की पानी की वजह से वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया होगा तो अभी तैयारी वगैरह चल रही है तो चलिए पूछते हैं अभी भैया से तो पूरा यहाँ रावण का फेस वगैरह बनाया जा रहा है तो भैया रावण बनना है तो आपकी कौन सी कमेटी आपकी नहीं है अच्छा तो भैया आपकी कमेटी का नाम क्या है फरम है तो आप कितने साल से रावण बना रहे हो पुतला 14 साल से बना रहे यहाँ भैया 14 साल से भैया के रावण का पुतला बनता है और काफ़ी बढ़िया बनता है और इधर देखिए तैयारी वगैरह पूरी चल रही है तो अच्छा ये भैया के गुरुजी हैं तो भैया आपका नाम मोहम्मद अशरफ महेंद्र कश्यप भैया का नाम है तो वहाँ रामलगौड़ से पानी की वजह से यहाँ गए हो गए अच्छा तो भाई वहाँ पर पानी भर गया था ना इसलिए यहाँ पर सब तैयारी वगैरह हो रही है तो चलिए ये दिखाना था मुझे आपको तो चलिए तो गाइस पूरा मेला एक्सप्लोर करके आ चुके हैं तो गाइस बता कैसा लगा अच्छा था मतलब पिछली बार से अच्छा था ये बार चल लग रहा जी लग रहा तो गाइस चलिए यही था पूरा प्रॉपर एक ब्लॉग मेले के ऊपर पूरा मेला चालू हो चुका है हर झूला हर मतलब सब कुछ चालू हो चुका है तो अब आप आ सकते हैं पूरा मेला देखने जो बाहर से भी आ रहे हैं तो गाइस चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा चलो तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और आप हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ यस अब इनने भी कह दी कर दो तो मिलते हैं जल्दी ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में बाय गाइस।